Hi student, welcome to RCI as you have online classes, class 11th agriculture, subject biology. आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे. 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ भी है. देखें, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी नेम जो है वो बोलते हैं सूत्रकणिका. सर्वप्रथम इसकी खोज फ्लेमिंग अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी. सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की? फ्लेमिंग और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने. इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, किसने कहा? आता है नाम सी बेंडा 1897 के अंदर फ्लेमिंग और अल्टमान ने जिस पदार्थ की खोज की थी, जिस स्ट्रक्चर की खोज की, उसे सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया. प्रत्येक कोशिका के अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये सभी कोशिकाओं में एक ही जैसा नहीं होता है, एक प्रकार का नहीं होता है, सभी के अंदर ये अलग अलग होता है. वैसे अगर बात करें, दो प्रकार की सेल होती है हमारे पास में, एक प्रोकैरियोट होती है, दूसरी यूकैरियोट होती है. प्रोकैरियोट के अंदर ये अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोट के अंदर ये उपस्थित होता है. प्रोकैरियोट में क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर झिल्लीयुक्त कोशिकांग जो होते हैं वो उपस्थित नहीं होते, इस वजह से ये उसमें अनुपस्थित होता है. प्रत्येक कोशिका जो होती है, सभी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन सभी के अंदर इसका साइज जो होता है, आकार जो है, वो एक जैसा नहीं होता है, सभी में थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस पाया जाता है. इसकी लंबाई जो है वो लगभग 1.0 से 4.1 म्यू एम तक पाई जाती है, यानी 1 से 4.1 म्यू एम माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है. इसका व्यास जो होता है वो लगभग 0.2 से 1 म्यू एम तक पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया एक धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर धोरा आवरण पाया जाता है. सबसे बाहर की ओर पाया जाने वाला जो आवरण है उसे बाह्य झिल्ली बोलते हैं. इसके अंदर की ओर पाया जाने वाला जो आवरण है उसे हम आंतरिक झिल्ली बोलते हैं. इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका इम्पोर्टेंट जो कार्य है, फंक्शन जो है, या इसकी जो मुख्य बात जो है, वो होता है वायवीय श्वसन. वायवीय श्वसन करने वाले जितने भी जीव हैं उनके अंदर जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. यानी कि खाद्य पदार्थ जितने भी आते हैं उनका ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है, वो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. और जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो ATP के रूप में प्राप्त होती है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ATP के रूप में प्राप्त होती है, ATP एडिनो ट्राई फॉस्फेट के रूप में. इसी वजह से शरीर जो है उसमें, या कोशिका जो होती है उसमें ऊर्जा जो है वो किस में संग्रहित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ATP के रूप में. इस वजह से कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया. पूछा जा सकता है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं और क्यों? किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को. क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीकरण की जो क्रिया है, वायवीय श्वसन की जो क्रिया है, वो किस में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो इसमें संग्रहित रहती है. इस वजह से इसको क्या कहेंगे? शक्ति ग्रह. अब सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, इसमें डिवीजन होता है, विभाजन. जो विभाजन होता है वो विखंडन विधि के द्वारा होता है. कायिक जनन जो है वो पढ़ा होगा हमने, उसके अंदर जो विखंडन विधि होती है, यानी कि ये प्रव दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है और नया माइटोकॉन्ड्रिया इसके द्वारा बनता है. अब आती है इसकी संरचना, सूत्रकणिका की बाह्य जो संरचना है. बाहर से जब हम इसे देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो इसके चारों ओर दोहरा आवरण हमें दिखाई देता है. बाह्य जो आवरण है वो प्लेन होता है, चारों तरफ है इसके, जबकि आंतरिक जो आवरण है उसमें अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं. आंतरिक जो आवरण है उसके अंदर ये अंगुलीनुमा जो उभार है ये इसमें
पाए जाते हैं। इन अंगुलिनोमा उभारों को क्रिस्टी बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टी कहा जाता है, यानी कि आंतरिक जो आवरण है वो अंदर अंगुलिनोमा उसमें उभार पाए जाते हैं, इन उभारों को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं जो कि 17 प्रकार के होते हैं, इन्हें कहा जाता है F1 कण इसे कहा जाता है। इसमें आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली जो है, बाह्य झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली, इसके बीच में वाला जो पार्ट है, ये रिक्त स्थान इसमें पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के द्रव पदार्थ जो होते हैं वो इसमें भरे हुए रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो 17 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 80 प्रकार का और एक 17 प्रकार का। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से पाए जाते हैं, 17 प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। इसमें डीएनए भी उपस्थित होता है। डीएनए जो होता है वो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर डीएनए वृत्ताकार होता है। इसी के साथ में डबलएस डीएनए होता है, डबलएस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो एकल रज्जु की है। मुख्य रूप से डीएनए जो होता है वो दोहरी रज्जु होता है, यानी कि उसमें रज्जुओं की संख्या कितनी होती है, डबल होती है, जिसे बोलते हैं डबल स्ट्रैंड डीएस डीएनए। लेकिन यहाँ पर उपस्थित जो डीएनए है वो कैसा है, डबल एस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यानी कि इसके अंदर रज्जुओं की संख्या कितनी होती है, एक। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर समाप्त होती है। इसका फंक्शन जो होता है, कार्य, वो मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन का ही होता है, जो ऊर्जा होती है उसको संग्रहित करने का होता है, यानी कि हम इसको ऊर्जा का शक्तिग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये इसके फंक्शंस के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।